क्या हुआ? खूबसूरत सेकेंड हनीमून पे जा रहे हैं तो ये गाउन भी रख लेना। ये बहुत खूबसूरत लग रही है इसमें। आप भी ना। जानू ये वाला गाना याद है तुमको? ये नहीं नहीं अच्छा रोज गाना सुनते थे हम। तुम जया बहादुरी और मैं संजीव कुमार। मुझे बस इतना याद है कि बहुत सारी पैकिंग बाकी है। हाँ। यूरोप की फ्लाइट भी तो पकड़नी है कल। पकड़ लेंगे कल। कल अभी बहुत दूर है कल। और वैसे भी रोहन घर पे नहीं है। नहीं है? वही तो मैं कह रहा हूँ। बाहों में चल मम्मी यार कब से बुला रहा हूं। मम्मी यार कहां पे हो? एक टी शर्ट दे दो ना। नजर चुरा के अब क्या फायदा? यार तुम अभी तक नाराज हो? बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा। ये बात जाके ना रोहन को समझाना। ओ ओ हेलो एक्सक्यूज मी, मैं क्यों जाके बताऊं? मैं नहीं बताने वाला। तो फिर इस ट्रिप पर भी अकेले ही चले जाना। अरे ये क्या बात हुई? तुमको पता है मैंने कितनी मेहनत से ढूंढा था ये वैकेशन प्लान हम दोनों के लिए? थॉमस कुक वाले सारी बॉलीवुड फिल्म्स की शूटिंग की जगहों पर ले जाएंगे हम। यार मैं शाहरुख खान की तरह ये स्विट्जरलैंड की ट्रेन में तुम्हें खींचने के सपने देख रहा हूँ और तुम उनकी चलने के लिए तैयार ही नहीं हो। कम ऑन ये सब छोड़ो, सब छोटी छोटी बातें हैं। मेरा डिसीजन फाइनल है। अरे तो ये यार तू टेंशन ना लेना यार, मैं बैठूं मैं सब ठीक कर दूंगा तुझ। अरे आजा 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 बेटा, आ गया रोहन, आ गया भाई, खाना तैयार है, आजा बैठ के खाते हैं फैमिली बॉन्ड। मुझे कुछ काम है। अरे तो इतना घबरा क्यों रहा है? आजा ना आजा। देख तेरी फेवरेट सब्जी बनाई है आलू भिंडी वाली, ये देख माँ की दाल है, जीरे वाले आलू हैं, दो भाई उसको दो। आ जा। बेटा मेरे को ना तेरे से थोड़ी बात करनी है। एडल्ट पैकिंग, मैं पैकिंग करके आती हूँ। हाँ आप लोग घूम के आ जाओ ना, आराम से बात कर लेंगे। नहीं बेटा बोझ है मेरे मन पे, आखिर झूठ बोला है हमने तुझसे। क्या बेटा वो तेरे को याद है एक दिन तूने मुझसे पूछा था बचपन में कि पापा मैं इस दुनिया में कैसे आया? तो मैंने बोला था कि एक परी जी आई थी रात को तेरे को तेरी मम्मी की गोद में रख के गई थी। 100% झूठ बोला था बेटा मैंने तेरे को। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता, रियलिटी में लगती मेहनत। अरे पापा मुझे पता है यार। पता है तेरे को? फालतू में टेंशन ले रहा था, आजा रोटी खाते हैं। तो तेरे को कैसे पता? पापा स्कूल में पढ़ाते यार बायोलॉजी। बायोलॉजी जीव शास्त्र, सोनू मैडम प्रजनन, एक नर एक मादा। अरे फोन आ गया। अरे रोहन का फोन आया। फोन नहीं आया, तू घबरा रहा है फालतू का। इधर उधर की बातें मत कर, मेरी बात ध्यान से सुन। ये सब नॉर्मल है, सब करते हैं। हमारे पड़ोस वाले वर्मा अंकल, हमारा पेपर वाला, दूध वाला, तेरे चाचे ताए फूफे, मामा। मामा मामा नहीं भाई, मामा नहीं, मामा तो बेचारा शुभ मंगल सावधान। क्या क्या बोल रहे हो? हाँ खबरदार मेरी फैमिली के बारे में कुछ कहा तो। तुम सुन रही थी तुम? बेटा
अगर तेरे मामा के बच्चे नहीं है तो उसका रीजन वो आयुष्मान वाला नहीं है। झूठ बोले कौवा काटे। ना ना ना, तेरे मामे को मैंने ना उसकी एनिवर्सरी पे वो जो तेल दिया था ना, अगर वो तेल उसने लगा लिया होता ना। पापा हद है यार। इसी तेल 19 साल का लड़का है आपका, कभी तो अपने एज के हिसाब से बिहेव करो यार। फोन दो मेरा। बाई कौन दो, मैं देखता हूँ कौन है। पर ये मेरी इंग्लिश ट्यूशन टीचर है, वो शॉर्ट में सेव किया ना, बलबीर आंटी इंग्लिश। अब दो फोन। एक सेकंड, पर इतनी रात को क्यों फोन कर रही है? वो टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए होंगे तो गुड जॉब बोल रही होंगी। आप दो ना, मैं बात कर। एक सेकंड, हमको भी सुन लेने दे बच्चे। अरे नहीं नहीं पापा, आपकी तकलीफ मैं करता हूं ना बात। जॉब दे रही है वो। एक सेकंड। हेलो बेबी, आई जस्ट कॉल्ड यू टू टेल यू कि तुम अपनी बनियान ना मेरे लिए छोड़ के आओ। नॉटी। मैं रोहन का पापा बेटा। हेलो अंकल, सॉरी। हेलो, नेटवर्क नहीं आ रहा भैया। हाँ जी, रूपा की बनियान, रूपा की पहनता है, रूपा के घर उतारता है, रूपा के घर भूल जाता है। नहीं पापा, यहाँ मैं सोच रही हूँ कि तेरी बनियान बंदर ले जाता है। नहीं नहीं, अब बता अब किसको एज के हिसाब से चलना चाहिए। पापा गलती हो गई, अगली बार से नहीं होगा ऐसा पक्का। पापा मारना मत पापा, प्लीज प्लीज पापा मारना मत, प्लीज 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 पापा, जो बोलो ये करूंगा, प्लीज पापा। इसका इलाज ना कुछ और है। अरे सब ले लिया इसका? हाँ ले लिया, इसका मोबाइल फोन, वाईफाई राउटर, गाड़ी की चाबी और इसका बनियान। बढ़िया। मम्मी बनियान तो छोड़ दो, तेरी पढ़ाई के लिए तुझे उस बाई से दूर रखना बहुत जरूरी है। अरे चलो भाई चलो, केवल 70 मिनट है तुम्हारे पास। बेटा फ्रिज में खाना रखा है, अच्छे से खा लेना। हाँ हम एक हफ्ते के बाद आएंगे और बाहर से ताला लगा कर जा रहे हैं। अपना ख्याल रखना और पढ़ाई करना। अरे भारत माता, अगर फ्लाइट मिस हो गई ना तो लेक कोमो के बजाय यहाँ आस पास के तालाब बो में डुबकियां लगानी पड़ेगी। आ जाओ फटाफट आ जाओ। बाय। बाय। अब देखना, एक हफ्ते में तुम्हारा बेटा सुधर जाएगा। गया तो अपने बाप पर ही है ना, बदमाश कहीं का। तब तो 100% सुधर जाएगा। अरे छोड़ो ना, बच्चे की चिंता अब एक हफ्ते बाद करेंगे। भैया आपके पास बाहों में चले आए। Hey guys, hope you like the video. And also guys, the Thomas Cook Grand India Holiday Sale is live now. इस सेल में आप 3 holidays कर सकते हैं, वो भी एक के प्राइस में। The lowest price is guaranteed and lucky winner को chance मिल सकता है कार जीतने का, cash back का भी और ढेर सारे offers. And guys, for more details check out the link in the description below. Don't forget to like, share and subscribe to the Timeliners.